तो मैं पहुंच गई हूँ हांगकांग एयरपोर्ट और यहाँ पे उतरने के बाद अभी देखते हैं कैसे चढ़ना है। मेरे पास PAR तो नहीं है और होल्ड है 15 आवर्स का, तो आई डेफिनेटली यूटिलाइज समवेयर, तो आगे के लिए जुड़े रहें। यहाँ पे दिख रहा है मकाऊ के लिए फेरीज, इधर आपको दिख रहा होगा शायद, तो ये मकाऊ के लिए फेरीज है और मैं अभी यहाँ से बाहर आई हूँ इस वाली जगह से, और यहाँ से बाहर आके अब मैं ये रास्ते की ओर आगे बढ़ रही हूँ एंड मकाऊ फेरी के लिए मैं जा रही हूँ। जब मैं यहाँ से जाऊँगी मतलब हांगकांग से जब मैं बाहर निकल रही हूँ मतलब इंटरनली मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो मैं मकाऊ के लिए फेरी ले रही हूँ, तो उसके लिए मुझे हांगकांग का इमिग्रेशन क्लियर नहीं करना पड़ेगा और मैं डायरेक्टली अपने जो 15 आवर्स जो मेरे पास हैं उसको मैं मकाऊ में यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। मैं हांगकांग में बाहर नहीं जा सकती बिकॉज़ मेरे पास हांगकांग का PAR नहीं है, पर ट्रांज़िट के लिए हांगकांग में इंडियन नेशनलिटी वालों को ट्रांज़िट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, तो मैं एयरपोर्ट से अगर मेरे पास बोर्डिंग पास है तो मैं उसको उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए मैं मकाऊ जा सकती हूँ, क्योंकि मैं एयरपोर्ट हांगकांग का क्रॉस नहीं कर रही हूँ, मैं हांगकांग से ही एयरपोर्ट से ही बाहर जा रही हूँ वो दूसरी कंट्री के लिए, और फिर दूसरी कंट्री से वापस आके मैं जा सकती हूँ। तो अभी भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं जा रही हूँ फेरी के टिकट्स बाय करने और मैं इसको आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगी एक बार मैं फेरी में बैठ जाती हूँ पहले। तो मैंने मकाऊ के लिए फेरी के लिए टिकट्स ले ली है और अब मैं जा रही हूँ मेरी फेरी की तरफ, और मेरी जो फेरी है वो 11 बजे की है और अभी यहाँ पे हो रहे हैं 10:50 हांगकांग में, और आगे बढ़ रही हूँ, जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही एंजॉय कर रही हूँ और व्लॉगिंग करने का भी मज़ा आ रहा है, ये भी मतलब नया एक्सपीरियंस है अभी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हांगकांग का PAR नहीं था, मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ, मैं आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, मकाऊ की फेरी लूँ नहीं लूँ, क्योंकि जब भी घर से निकली थी मम्मी ने बहुत ही समझा बुझा के भेजा था कि बेटा जिसमें समझ नहीं आए वो काम नहीं करना, एयरपोर्ट पर बैठी रहना, पर फिर भी निकली हूँ यहाँ से कि 15 घंटे तो एयरपोर्ट पे क्या ही कर लेती, तो चल पड़ी हूँ। चले सैर करते हैं मकाऊ की, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मकाऊ हांगकांग का अगर आपके पास PAR आपको नहीं मिला है, आपके पास लंबा होल्ड है, तो आप मकाऊ डेफिनेटली जा सकते हैं, एकदम पक्की इन्फॉर्मेशन है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं अभी जा रही हूँ। ये मेरी फेरी की तरफ आगे बढ़ते हुए, सपना था मेरा मकाऊ जाने का। ये है मेरी फेरी, तो मैं फेरी में आ चुकी हूँ। फेरी कुछ इस तरीके की है, बिल्कुल फ्लाइट जैसे ही दिखती है, और इस तरीके से वहाँ पे भी ऊपर सामान रखने का दिया होता है, इस तरीके से सीटें हैं इस टाइप से, और मैंने विंडो सीट पहले ही पकड़ लिया है, सामान को रखते हैं, सामान ने बड़ी दिक्कत मचा रखी है। अभी मैं एकदम रिलैक्स चल, और यहाँ पे शायद चार्जिंग पॉइंट्स तो नहीं है, और फेरी मुझे पहुँचा देगी करीब 1 घंटे में मकाऊ, और मकाऊ पहुँच के मैं सिटी टूर करूँगी, और सिटी टूर मैंने वो एक जो वॉल सी देखी है चर्च, नाम याद नहीं है, वहाँ पे जाना है मैंने, और कहाँ कहाँ जाते हैं देखते हैं।
एक सिग्नल टाइगर्स रुके हुए हैं। मकाओ में आज का दिन मेरा ख़त्म हो गया है और मैं वापस से फेरी टर्मिनल पे आ गई हूँ अपनी हांगकांग की फेरी के टिकट लेने के लिए, और ये लेने के बाद फिर मैं वापस जा रही हूँ हांगकांग।